हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर लिया है। सो सेकंड वर्ल्ड वॉर का आज की वीडियो में हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, इससे पहले अगर आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पीस सेटलमेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पीस ट्रीटीज़ थी तो उसको बनाने में क्या क्या मुश्किलें आईं। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस सिस्टम का काम था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसके मेन मेन रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहले जो विक्टर्स क्लब्स थे, यानी कि जो विक्टर्स नेशन थे, उनके बीच जो था म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बहुत ज़्यादा रेडिकल जो है उनके थॉट्स हो चुके थे। ठीक है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इन दोनों के ही बीच बहुत ज़्यादा टक्कर शुरू हो चुकी थी। सेकेंड, दोनों ग्रुप्स में अब कोल्ड वॉर का जो स्टार्टिंग है वो देखी जाने लगी। ठीक है, जिसके बाद एक दूसरे के लिए दोनों की दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और एक दूसरे के लिए नफरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, सोवियत रूस और अमेरिका, दोनों ही सुपर पावर जो थी वो दुनिया पर अपना अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कॉम्पिटिशन में लग गई थी। और इस बार 1919 की तरह कोई भी पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बनाई गई और ये डिसीजन लिया गया कि काउंसिल पीस ट्रीटीज़ के बारे में सबकी सहमति से डिसीजंस लेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसके थ्रू दोनों ही ग्रुप्स को इनके प्रपोजल्स पर वीटो मिल गया था। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे प्रेपरेशंस फॉर पीस ट्रीटीज़ पर। सबसे पहले हमारा लंदन का विदेश मंत्री सम्मेलन। देखो, पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस में शांति संधि यानी कि पीस ट्रीटीज़ की शुरुआती तैयार का जो काम था वो पांच बड़े नेशन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल को सौंपना तय हो गया था। ठीक है, सो फॉरेन मिनिस्टर की जो काउंसिल थी उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? इटली के साथ जो है पीस ट्रीटी की एक मैप तैयार करने के ऑब्जेक्टिव से लंदन में 11 सितंबर 1945 को बुलाई गई थी। ठीक है, 40 दिन तक सोच विचार हुआ, उसको सोच विचार करने के बाद इसके जो मेंबर्स थे किसी डिसीजंस पर नहीं पहुंच पाए। 20 अक्टूबर 1945 को लंदन कॉन्फ्रेंस कमेटी की घोषणा की गई। ठीक है, 1945 को लंदन कॉन्फ्रेंस कमेटी को अनाउंस किया गया। ठीक है, जिसमें कई चीज़ें, कई मतभेद भी थे। सबसे पहले तो इटली और यूगोस्लाविया की जो सीमा के रिलेशन में सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन चाहता था कि ट्रीस्टे और फ्यूम के जितने भी बंदरगाह हैं उन सभी जूलियन मार्ग, जो जूलियन रास्ते जो हैं यूगोस्लाविया को दे दिया जाए। ठीक है, वेस्टर्न जो नेशंस थे ट्रीस्टे को फ्री इंटरनेशनल बंदरगाह बनाने के सपोर्ट में थे और जूलियन जो रास्ता था उसका बंटवारा इटालियन और स्लाव के जाति के बेस्ड पर करने के इरादे में थे। ठीक है, सेकेंडली इटली से ली जाने वाले जितने भी पैसे, जितने भी नुकसान की भरपाई थी उसके रिलेशन में सोवियत संघ क्या चाहता था कि इटली से 60 करोड़ डॉलर की वसूली की जाए और इसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है वो सोवियत संघ को दिया जाए, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, वेस्टर्न नेशन जो थे, उन्होंने इस अमाउंट को बहुत ज़्यादा समझा। इटली के जितने भी उपनिवेश थे उनके विभाजन, उनके डिवीज़न के बारे में सोवियत संघ क्या चाहता था कि लीविया पर ट्रस्टीशिप और डेडिकनीज टापू में उसे सैनिक अड्डा बनाने दिया जाए। सो पश्चिमी राज्य यानी कि जो वेस्टर्न नेशन थे उन्होंने भूमध्य सागर और अरब प्रदेश जितने भी थे उसमें सोवियत संघ का जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट कन्वेंशन पर बात कर लेते हैं जो कि मास्को में हुआ था। 16 दिसंबर 1945 को विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक जो थी वो अमेरिकी राज्य सचिव वर्नेस के सुझाव पर मास्को में बुलाई गई थी। अब इसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो संधियों के जितने भी ड्राफ्ट को स्टेट तैयार करेंगे, ड्राफ्ट जो है स्टेट तैयार करेंगे जिन्होंने विराम संधि पर सिग्नेचर किए थे। इसके बाद इन ड्राफ्ट पर वो स्टेट डिसीजन करेंगे, स्टेट ही इन चीज़ों को सोचेंगे जिन्होंने धुरी राष्ट्र के साथ वॉर में पार्ट लिया था। ठीक है, जो लास्ट में जो चीज़ें उन्होंने बताई वो विदेश मंत्रियों की जो काउंसिल तय की जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये रहेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट,
जो पीस ट्रीटीज़ पर सिग्नेचर होने के बाद जितने भी हारे हुए देश थे, जितने भी हारे हुए नेशन थे, उनसे विदेशी सेना हटा ली जाएगी। जापान के लिए 11 मेंबर सुदरपूर्ण एक परामर्शदात्री आयोग और 4 राष्ट्रों की परिषद की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। देखो, विदेश मंत्रियों की अगली बैठक जो थी पेरिस में 29 अप्रैल 1946 को शुरू हुई। तब तक पूर्व और पश्चिम में जितने भी मतभेद थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट उनमें चल रहे थे, वो बढ़ चुके थे बहुत ज़्यादा। इसका एक वजह ये थी कि राष्ट्रपति ट्रूमैन की जो फुलटन में दिया गया जो भाषण था, उनका फुलटन स्पीच जो थी, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के लिए रीज़न थी। इस तरीके से 15 अक्टूबर 1946 को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो एडजॉइंट हो गया था। ठीक है, यानी स्थगित हो गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 पीस ट्रीटीज़ पर। सबसे पहले जो है पीस ट्रीटी विद इटली, इटली के साथ शांति संधि। देखो, इसमें 19 सेक्शंस और 17 अपेंडिक्स हैं, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो इटली के जो प्रदेशों का विभाजन, सबसे पहले रोम को अपने प्रदेश दूसरे राज्यों को देने पड़े। ठीक है, फ्रांस को छोटा सेंट बर्नार्ड का दर्रा और ब्रिगा टांडा के प्रदेश, यूगोस्लाविया को पूर्वी वांसिया और जूलिया में 3000 वर्ग मील का प्रदेश, और जारा तक एड्रियाटिक सागर के कुछ टापू ट्रीस्ट्रे को सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू गवर्न किया गया। ठीक है, और उसमें रूल होने वाला एक फ्री बंदरगाह बनाया गया था। तो डेडिकनीज और कास्टेलिरोज़े के टापू यूनान को मिले। ठीक है, और अल्बानिया को साजेनो का टापू मिला। दक्षिण टिरोल इटली के पास रहा। नेक्स्ट, इटली के उपनिवेशों का खत्म होना। देखो, इटली को लीबिया, इरिट्रिया और इटालियन सोमालीलैंड में उपनिवेश छोड़ने पड़े। ठीक है, इटली को कुल मिलाकर 7 सालों में 36 करोड़ स्टर्लिन की क्षतिपूर्ति देनी थी, जिसमें से 12 करोड़ 50 लाख यूगोस्लाविया, 40 करोड़ 50 लाख यूनान, 50 करोड़ सोवियत रूस, 2 करोड़ जो थे 50 लाख इथियोपिया और 50 लाख अल्बानिया को मिलना था। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इटली पर सैनिक नज़रों से भी कई तरीके के प्रोहिबिशन जो है वो लगा दिए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग जो कि उनकी लैंड फोर्सेस है 2.5 लाख, 200 टैंक, 36,000 जो है उनके सैनिक, नौ सैनिक जो थे, और 2 युद्धपोत, 4 क्रूज़र, 25,000 जो है एयर फोर्सेस सैनिक, 200 लड़ाकू जहाज और 150 जो है बाकी के वायुयानों का। वायुयानों तक इटली की सैनिक शक्ति को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया था। नेक्स्ट है ट्रीटी विद रोमानिया। हिटलर के थ्रू दबाव दिए जाने की वजह से हंगरी को 1940 में दिया गया ट्रांसिल्वानिया का जो प्रदेश था वो रोमानिया को वापस मिला, लेकिन उसे वेसारेविया और बुकोविना सोवियत रूस को और दोबूज बल्गारिया को देने पड़े। इससे 8 साल में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके रूप में वसूल किया गया जाने वाला $30 करोड़ का हर्जाना केवल सोवियत रूस को दिया जाना तय हुआ। तो रोमानिया की जो लैंड फोर्स थी वो 1,20,000 सैनिकों तक नौसेना में, 5,000 तक वायुसेना जो थी, 8,000 लोग जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड वहाँ पे हो गए थे, और केवल 100 लड़ाकू जहाज वहाँ पे वो रख सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटी विद बुल्गारिया। देखो, बुल्गारिया ही हारे हुए देशों में ऐसा था जिसने अपना कोई भी प्रदेश नहीं देना पड़ा, बल्कि रोमानिया से दोवरूज का इलाका उन्होंने ले लिया था। तो क्षतिपूर्ति के रूप से उसे $7 करोड़ यूनान और यूगोस्लाविया को 8 सालों में देना था। उसकी जो थल सेना की लैंड फोर्सेस थी उनमें 55,000 सैनिक, जल सेना में 3,500 और एयर फोर्सेस में 5,200 की लिमिटेशंस तय की गई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।